वेलकम टू आर के कंस्ट्रक्शन। आर के कंस्ट्रक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्लान हमारा जो है 15x60 का है, दो फ्लोर का प्लान है, नॉर्थ फेस है, वास्तु के अनुसार है और साथ के साथ पोर्टिको, लिविंग रूम और चार बेडरूम है हमारे इस प्लान में और साथ के साथ जो है चार वॉशरूम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसके प्लान को। अगर आप लोग को कोई नया भी प्लान चाहिए होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे जल्दी जल्दी जो है बनाने की कोशिश करूँगा और समझते हैं इस प्लान को। तो ये हमारा जो है रोड है, रोड से हमारा ये रैंप चढ़ रहा है, रैंप के चढ़ते ही हम लोग का गेट है जो कि 10 फीट का है और उसको ही सामने की तरफ हम लोग को मिलेगा पोर्टिको, कार पार्किंग का एरिया जो कि 10 फीट बाई 16 फीट 4 इंची का है। आपका 10 फीट चौड़ा है ना, और ये 10 फीट चौड़ाई में है और 16 फीट 4 इंच जो है आपका यहाँ से यहाँ लंबाई है इसकी, है ना, गहरान। तो आराम से कोई भी गाड़ी खड़ी हो जाएगी, आपकी दिक्कत नहीं होगा। फिर उधर ही से हम लोग को एक गैलरी मिल रही है, आप देख रहे हैं ये गैलरी, तो जो कि एक वहीं पे ही हम लोग ने पोर्टिको में एक वॉशरूम दे रखा है जो कि 4x9 का है, कॉमन वॉशरूम है। गेट का डायरेक्शन आप देख रहे हैं, अंदर की तरफ खुल रहा है। वहीं से हम लोग को एक छोटा सा गैलरी टाइप का मिलेगा जो कि हमारा स्टेयर्स पे भी चढ़ सकते हैं हम लोग, ऊपर की तरफ जा रहा है फर्स्ट फ्लोर के लिए, नहीं तो फिर सीधे अंदर की तरफ आ सकते हैं जो कि गेट हमारा खुलेगा जो कि लिविंग रूम में खुलेगा। लिविंग रूम से दो दरवाजे हैं, एक तो बाहर जाने के लिए, एक अंदर जाने के लिए। लिविंग रूम का हमारी साइज़ जो है 14 फुट 4 इंची बाई 12 फुट 8 इंची का है। बढ़िया सोफ़ा वोफ़ा लगा के आप वहाँ पर लिविंग रूम अपना कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसी के अंदर ही चलेंगे तो आपको एक डाइनिंग कम किचन मिलेगी, ओपन किचन का ये पूरा मैंने बना रखा है, ओपन किचन का आपका ये प्रोसीजर है जो कि हम लोग को मिलेगा 14 फुट 4 इंची बाई 10 फुट का। उधर ही से आप यहाँ पास देख रहे हैं ये जो एरिया है वो OTS है जो कि यहाँ का OTS का मतलब है ओपन टू स्काई, है ना, ओपन है जो कि हमारी जो गैस वैस है किचन की और वेंटिलेशन के लिए, रोशनी के लिए वो प्रॉपर रहे। और वहीं हम लोग इस बेडरूम में चलेंगे तो बेडरूम आता है उस किचन के बगल से ही जो कि 10x13 फीट 2 इंची का है। और वही बेडरूम से हम लोग ने एक वॉशरूम अटैच कर रखा है जो कि 4 फुट बाई 7 फुट 10 इंची का है। तो ये बाकायदा हमारा जो है ग्राउंड फ्लोर का प्लान है कि एक अटैच हमारा वॉशरूम है बेडरूम के साथ, किचन हमने एक ओपन टाइप की दे रखी है, लिविंग रूम हमारा आगे की तरफ है, उसी से सट के हम लोगों का जीना है जो कि फर्स्ट फ्लोर की तरफ ऐसे जा रहा है और ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं क्लॉकवाइज। और अब हम लोग चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोगों को इसमें कोई भी नक्शा बनवाना हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ कमेंट, तभी मुझे पता चलेगा मैं नया नक्शा डाल सकता हूँ आपके लिए। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले हम लोग को गैलरी मिलती है 4 फीट चौड़ी जो कि हमारी 4 फीट चौड़ी पूरी गैलरी है। और पीछे की तरफ चलें तो सबसे पहले ये गेट का एंट्री होता है, ये हमारा दूसरा नंबर का बेडरूम है जो कि 10 फीट बाई 12 फुट 8 इंची का रहेगा। उसको बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे एक छोटी सी फैमिली लॉन्च बना लीजिए, या अगर आप लोगों को किचन चाहिए हो तो आप उसको किचन भी लगा सकते हो या छोटी सी फैमिली लॉन्च भी लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर वही थर्ड रूम की तरफ चलते हैं तो ये हमारा बेडरूम है जो कि 10 फीट बाई 13 फीट 2 इंची का है और यहाँ पास इसका अटैच वॉशरूम है और ये OTS है एज अ वेंटिलेशन के लिए। और वही बात करेंगे, इस गैलरी से हम लोग नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे, अगर इस गैलरी से हम लोग इधर तरफ बढ़ेंगे तो एक वॉशरूम मिलता है जो कि 4x9 का है और उसी गैलरी से बगल में ही हम लोग को एक बेडरूम मिलेगा जो कि 10 फीट बाई 12 फीट 2 इंची का है। वो वाला जो बेडरूम है वो बालकनी में खुलता है, हमारी बालकनी का साइज़ है 3 फुट 8 इंची चौड़ी जो कि हमारे प्लॉट के अंदर ही है, इसको कोई एक्सटेंड नहीं किया गया है। और इसी तरीके से हमारा ये दो फ्लोर का प्लान है जिसमें 4 बेडरूम मैंने दे रखा है, एक लिविंग रूम है, एक फैमिली लॉन्च लिख लीजिए अगर करना चाहें तो, एक किचन कम डाइनिंग है और साथ के साथ आपको 4 वॉशरूम मिल रहे हैं और कार पार्किंग मिल रही है। फिर अगर आप लोगों को ऐसा ही कोई बढ़िया नक्शा बनवाना हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए फिर, थैंक यू।
वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।